दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुई 3.5 लाख रुपए की लूट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन परिसर से गुरुवार को दिन दिहाड़े बाइक सवार दो उचक्कों ने पीएसएम विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर कमल देव नारायण के हाथ से 3.5 लाख रुपए लेके भरा बैग झपट लिया। श्री नारायण शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़े, लेकिन परिसर का मेन गेट खुले रहने का फायदा उठा उचक्के आराम से वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बेता ओपी की पुलिस तहकीकात करने वहां पहुंची। सदर एसडीपीओ अनोज कुमार ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर उचक्कों के हुलियों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस को अलर्ट कर शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। पीड़ित नारायण रिटायर होने के बाद अनुबंध पर कार्यरत है। श्री नारायण ने बताया कि उन्होंने निजी काम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित SBI की शाखा से 3.5 लाख रुपए की निकासी की थी। बाइक की डिक्की में रुपए रखकर वे दोपहर करीब 12:05 पर कॉलेज के प्रशासनिक भवन परिसर पहुंचे थे। प्राचार्य कलजाड़े के पोर्टिको के पास उन्हें अपने ने बाइक खड़ी की थी। जैसे ही उन्होंने बाइक की डिक्की खोल रुपए भरा बैग बाहर निकाला, पलक झपकते ही बाइक से पहुंचे दो उचक्के उनके हाथ से बाइक झपटकर फरार हो गए। चंद सेकंड में उचक्कों ने वारदात को अंजाम दिया, इस वजह से उनके चेहरे नहीं देख सके। श्री नारायण ने बताया कि उचक्को काले रंग के बाइक पर सवार थे। इधर उचक्कों की पहचान के लिए पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी के कैमरा को खंगाला, लेकिन बाहर का कैमरा खराब रहने के कारण पुलिस को निराशा हाथ लगी। उचक्कों के गिरे वाहन तक पहुंचने के लिए पुलिस SBI के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सदर SDPO ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पता लगा जा रहा है।